Hello students of class 6th, today we will discuss chapter 2, components of food, part 2. What do various nutrients do for our body? जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमको ताकत हमारे शरीर को ताकत देते हैं. फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी. और जितने भी फैट्स हैं वो भी हमें क्या देते हैं, ताकत देते हैं. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन स्टूडेंट्स जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा ताकत देते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा ताकत हमें कौन देते हैं, फैट्स. फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. और ये जितने भी हमारे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सभी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये सभी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, और जो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स वो सोर्सेज दिए गए हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है थ्रू फूड. बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मेलन का मतलब है स्टूडेंट्स खरबूजा, मैंगो एंड मेज का मतलब है स्टूडेंट्स मक्का. तो ये सभी क्या हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्वीट पोटैटो को बोला जाता है स्टूडेंट्स शकरकंदी. ओके, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सम सोर्सेज ऑफ फैट्स. ए वाली फिगर में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सोर्सेज ऑफ फैट्स जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं और कुछ हमें किससे मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं. ओके, तो हम उनको एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम सोर्सेज ऑफ फैट्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. यहाँ पर ग्राउंड नट्स, नट्स एंड तिल, ये सभी क्या हैं, सोर्सेज ऑफ फैट्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये जितने भी आपके ऑयल्स हैं ये सभी क्या हैं, सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं फ्रॉम प्लांट सोर्सेस. अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस. इसके अंदर फिश, मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम एंड एग्स, ये सभी क्या हैं, सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं फ्रॉम एनिमल सोर्सेस. ओके, ये सब हमें एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं. अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रोटीन्स हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि ग्रैम यानी कि मक्का.
ग्रैम यानी कि चना, मूंग, टूर दाल, बीन्स, बीन्स के अंदर जो राजमा बीन्स होते हैं वो सभी क्या हैं, प्रोटीन्स के क्या हैं, सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, सोयाबीन, पीज, पीज का मतलब है मटर, ओके। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, पनीर, फिश, मीट, मिल्क, एग्स, ये सभी क्या हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और जितने भी विटामिन्स होते हैं वो स्टूडेंट्स हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं हमारे शरीर को, ओके। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, और ये जितने भी विटामिन्स होते हैं ये हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, हमारी आँखों को ठीक रखने में मदद करते हैं, हमारी हड्डियों को ठीक रखते हैं, हमारे दांतों को और उनके अंदर जो गम्स प्रेजेंट होते हैं उनको ठीक करने का काम विटामिन्स करते हैं, और इन सभी चीज़ों को क्या बनाते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं, ओके। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ऐसे ही स्टूडेंट्स जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे तरह तरह के होते हैं और उनके जो नाम हैं वो भी अलग अलग हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और कुछ विटामिन्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और स्टूडेंट्स एक ग्रुप है विटामिन्स का जिनको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि विटामिन्स हमारे दो तरीके के होते हैं। There are two types of vitamins. One is fat soluble vitamin and second is water soluble vitamin. Fat soluble vitamins में vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. ये सभी क्या हैं, fat soluble vitamins. And water soluble vitamins are vitamin C and vitamin B. कॉम्प्लेक्स, ओके। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, जैसे विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन एंड विटामिन बी ट्वेल्व। तो ये सारे हो गए आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि ये जो विटामिन ए होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन बी वन जिसका साइंटिफिक नेम है थाइमाइन, THYMINE, थाइमीन। विटामिन बी टू को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये दीज आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन बी थ्री को हम बोलते हैं नियासिन,
विटामिन बी फाइव को हम बोलते हैं पेंटाथिनिन एसिड, विटामिन बी सिक्स को हम बोलते हैं पाइरीडॉक्सिन। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन बी सेवन को हम बोलते हैं बायोटिन, विटामिन बी नाइन को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। ओके, विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबालामाइन बोला जाता है, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम। विटामिन सी को बोला जाता है स्टूडेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन डी हमारा सनशाइन विटामिन होता है। ओके, और विटामिन डी के अंदर दो विटामिन्स आते हैं, विटामिन डी थ्री एंड विटामिन डी टू। विटामिन डी थ्री को हम कोले कैल्सीफेरोल बोलते हैं और विटामिन डी टू को हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरोल। विटामिन ई जो होता है वो ब्यूटी विटामिन कहलाता है और इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। विटामिन के को विटामिन के दो साइंटिफिक नेम होते हैं, पहला होता है फाइलोक्विनोन एंड दूसरा है मीनाक्विनोन। ठीक है, इसके दो नाम, दो साइंटिफिक नेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत छोटी मात्रा में हमें हमारे शरीर को ये सभी विटामिन्स चाहिए होते हैं। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए हमारे हमारी त्वचा और हमारी आँखों को तंदुरुस्त रखने का काम करता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, विटामिन सी हमारी हमारे जो शरीर को अगर कोई बीमारी लग जाए तो उससे लड़ने का काम करता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर किस चीज़ में मदद करता है स्टूडेंट्स, ये क्या देता है कैल्शियम देता है हमारे शरीर को, जो कि हमारे टीथ और हमारे जो बोन्स होती हैं उसको ठीक करने का काम करता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9, और जितना भी खाना है जो कि बहुत सारे विटामिन्स के अंदर क्या होता है रिच होता है, वो आपको फिगर 2.6 से फिगर 2.9 में दिखाया गया है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन ए के अंदर जो सोर्सेज आते हैं वो है पपाया, कैरेट, मैंगो। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के अंदर जो सोर्सेज आते हैं वो हैं व्हीट, राइस एंड लीवर। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन एंड आमला। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो हैं फिश, एग एंड लीवर, मिल्क एंड बटर। ओके, ये सभी क्या हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे सोर्सेज को अगर आपको याद करना है तो आप इनके माइंड मैप्स भी अपनी रफ नोटबुक्स में बना सकते हो और आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी
एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये हमें तंदुरुस्त बनाने का काम करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ सोर्सेज हमें दिए गए हैं किसके, मिनरल्स के, कौन सी फिगर में, 2.10 में। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हैं सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन हमारा क्या है, एक तरीके का मिनरल है। इसके अंदर जिंजर, स्पिनिच, फिशेस, कर्ड, ये सभी क्या हैं, सॉरी सॉल्ट, ये सभी क्या हैं, हमारे आयोडीन के सोर्सेज हैं। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, बनाना, चिली, मिल्क, वीट, राइस, ओके, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, स्पिनिच, एप्पल, लीवर, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क एंड एग, मिल्क एंड एग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। आप सभी ने ये बहुत अच्छे से देखा होगा जब आप इनकी इन ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड कर रहे थे। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। हालांकि ये सभी जो भी रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक पर्टिकुलर पोषक तत्व जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है देन अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ स्टूडेंट्स। राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स, जो चावल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा चावल के अंदर पाई जाती है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, मतलब चावल के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, तो राइस विल कम इन द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, और जो अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को जिनको हमारे शरीर के अंदर चाहिए होते हैं वो होते हैं डाइट्री फाइबर्स, यानी कि रफेजेस एंड वाटर। डाइट्री फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। तो डाइट्री फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेजेस बोलते हैं। रफेजेस को हिंदी में बोला जाता है रेशा युक्त ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स यानी कि रेशे। तो उन सभी वेजिटेबल्स को क्या बोला जाता है, रफेजेस। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। और जो रफेजेस होते हैं वो हमें किसके द्वारा मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा मिलते हैं, जो हमें पौधों से मिलते हैं हमारे खाने के अंदर। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, जितने भी अनाज और जितनी भी दालें होती हैं वो सभी
सोर्सेज ऑफ रफेज़ में आते हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज़ डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, लेकिन जो ये रफेज़ होता है ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं देता, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन तब भी ये क्या है, हमारे खाने का बहुत ज़रूरी भाग है। बहुत ज़रूरी अवयव है, कंपोनेंट को हम अवयव भी बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में। एंड एड्स टू इट्स बल्क, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें अपनी अपने भोजन के अंदर लेना चाहिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जितना भी फूड हमारा जो पचता नहीं है उसको बाहर निकालने का काम, बाहर निकालने में मदद कौन करते हैं, रफेजेस यानी कि डाइटरी फाइबर्स। ओके, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो पानी है वो किस चीज में मदद करता है, ये खाने से जो पोषक तत्व होते हैं उनको सोखने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये और किस चीज़ में मदद करता है, ये जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को बाहर निकालने का काम करता है हमारे शरीर से, एज अ यूरिन एंड स्वेट। स्वेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पसीना, और यूरिन का मतलब होता है मूत्र। ठीक है, इसके द्वारा जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं फूड के अंदर वो सब बॉडी से बाहर हो जाते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। ज़्यादातर जो हम पानी लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, वो हम लिक्विड्स यानी कि तरल पदार्थों को पीने के बाद लेते हैं। ओके, तरल पदार्थों से ही हमें मिलता है ज़्यादातर वाटर, जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो वाटर, दूध और चाय, पानी, दूध और चाय, ये सभी क्या हैं, हमारे तरल पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति को पूरा करते हैं। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम पानी को जो हमारा पका हुआ भोजन है उसके अंदर भी मिलाते हैं। लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या कोई और स्रोत भी है जिससे हमें पानी हमारे शरीर को मिलता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी 3। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। क्या करिए स्टूडेंट्स, आप एक टमाटर ले लीजिए या फिर एक नींबू ले लीजिए। कट इट इंटू स्मॉल पीसेज, और इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट्स वेट वाइल डूइंग सो। अपने हाथों को गीला रखिएगा जब आप ये काम कर रहे हों। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut। बहुत ध्यान से आप ये देखिएगा कि जब भी आप किसी सब्जी या फिर कोई फल आप किसी को भी काटते हो या उसे छीलते हो या उसे मैश करते हो, पीसते हो, at your home अपने घर में, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपने ये देखा है कि जितने भी हमारी ताज़ी सब्जियां होती हैं, ताज़ी फल होते हैं, दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या उनके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती? वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर।
हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके सभी उन सभी के अंदर क्या होता है, पानी पानी होता है टू सम एक्सटेंट, कुछ मात्रा में उसके अंदर पानी भी पाया जाता है। अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, और हमारे जो शरीर की ज़रूरतें हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, पानी से जुड़ी हुई होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम पानी जब हम कोई खाना पका रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके थैंक्स।